जय हिंद टीम, अभी हम यहाँ पे ये एक अलमीरा की पैकिंग करने जा रहे हैं जो कि पार्ट लोड के लिए पैकिंग होनी है। अभी इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम जो अलमीरा है उसे पैक करने के लिए जो नेसेसरी हमारी आवश्यकता है पहले हमें उनको ध्यान में रखना है, जैसे कि हमें पहले अलमीरा के लिए नीचे बेस देना है और हैंडल को कवर करने के लिए भी हमारे को इसके पीछे एक पैड बना के देना होगा जिससे कि इसके हैंडल के लॉक में दिक्कत ना आए। ठीक है, इस तरीके से एक लॉक बना देंगे, इससे क्या होता है कि कोई भी हमारी मूवमेंट होगी तो हमारा लॉक ख़राब नहीं होगा ना ही डैमेज होगा। इसके बाद ऊपर से एक फोम की एक लेयर दे देंगे इसको कवर करने के लिए। ये इस तरीके से कवर करने के बाद हम यहाँ पे एक लेयर फोम की लगानी है। याद रहे फोम की लेयर हमें सिर्फ उतनी ही लगानी है जितने में कि हमारी एक लेयर कंप्लीट हो जाए और एक्स्ट्रा मटेरियल फोम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, तथा ज़रूरत के अनुसार ही सेलो टेप का इसमें यूज़ करना है जो जिस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हमारे को टॉप बनाना है और टॉप को भी अच्छे से पैक कर देना है। ये इस तरीके से टॉप और बेस कंप्लीट होने के बाद हमें साइडों से लेयर लगानी है। ये जो हमने रियूजेबल कार्टन बॉक्स है उससे हमें इसकी पैकिंग करनी है। ये इसकी सारी साइडों को हमें बराबर से कवर कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई इसमें पैकिंग भी बहुत अच्छी आएगी और इसमें डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ये इस तरीके से हमारी प्रॉपर पैकिंग हो गई है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन का स्टिकर है वो स्टिकर हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको अच्छे से रिफिल कर देंगे। और जो अलमारी की जो राइट साइड है अपर साइड में, इस तरीके से हम एक एरो का निशान बना देंगे जिससे हमारे को लोड या अनलोड करते समय पता रहे कि हमें किस साइड से इसको खड़ा करना है और किस डायरेक्शन में खड़ा करना है। तो इस पर प्रॉपर मार्किंग के साथ ही इसको करें। ये इस तरीके से ये प्रॉपर मार्किंग कर देनी है। अभी इसके बाद हम फिर ज़रूरत के हिसाब से इसको स्टैच फिल्म करेंगे। ये अभी ज़रूरत के अनुसार इस फिल्म को इसको स्टैच फिल्म से रैप कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारी अलमीरा बिल्कुल अच्छे से पैक हो गई है और इसमें क्या डैमेज के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर ही है, बिल्कुल भी इसमें डैमेज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी।